गोरखपुर न्यूज़ के खबर का असर देखने को मिला। 16 नवंबर की शाम तरंग क्रॉसिंग के पास एक मैरिज हाउस से गायब हुए एक व्यक्ति की खबर को चैनल ने प्रमुखता से लगातार दिखाया और उसी का असर है कि किसी जागरूक दर्शक ने चैनल में प्रसारित मोबाइल नंबर पर सूचना दिया और वो गायब व्यक्ति 25 नवंबर को परिजनों को मिल गया। आपको बता दें कि 50 वर्षीय लक्खी शाह पुत्र रामचंद्र शाह निवासी मौना हुसे छपरा नई बस्ती जिला छपरा बिहार के रहने वाले हैं। वे गोरखपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने आए थे। 16 नवंबर की शाम करीब 5 बजे वो शनि मंदिर के लिए निकले थे और तब से लौट कर नहीं आए। ये अपने बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ थे, लेकिन गोरखपुर न्यूज़ ने अपने सभी दर्शकों से अनुरोध किया कि इनके बारे में कहीं भी किसी को कोई भी जानकारी मिले तो कृपया टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों को सूचित करें। जिस पर एक जागरूक दर्शक सूरज ने जब चैनल पर दिखाए जा रहे व्यक्ति को देखा तो उन्होंने तत्काल टीवी पर दिखाए जा रहे नंबर पर सूचना दी और वो व्यक्ति अपने घर पहुंच गया, जिस पर उनके परिजन जितेंद्र कुमार गुप्ता निवासी हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ ने गोरखपुर न्यूज चैनल के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, 50 वर्षीय लक्खी शाह पुत्र रामचंद्र शाह निवासी मौना उसे छपरा नई बस्ती जिला छपरा बिहार के रहने वाले हैं। लक्खी शाह गोरखपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने आए हुए थे। 16 नवंबर की शाम करीब 5 बजे वह शनि मंदिर के लिए निकले थे और तब से लौटकर नहीं आए हैं। ये अपने बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। रेलवे क्रॉसिंग जो है बंधन मैरिज हाउस से गायब हुए गए थे और ये मिले हमें रजही कैम्प के पास। आइए हमारे मौसा लगेंगे जो रहने वाले हैं बिहार छपरा का, छपरे का है, लेकिन ये जो है 16/11/2018 को जो है बंधन मैरिज हाउस से गायब हुए। आइए मिले 25 तारीख को 25/11/2018 रस्मी चैनल जो है गोरखपुर न्यूज में देख कर जो है वो जा रहे थे अपने घर सोनबरसा बाजार टैक्सी में बैठ कर, तो उसी जगह मुलाकात हुआ। ये वो पहचाने कि हमारे ये जो है रिश्तेदार जो छपरा से आए हुए हैं, उसी जगह जो है चाय की दुकान पर दिखाई दिए, तो हम पकड़ के संपर्क किए हमारे पास मोबाइल द्वारा और उसके बाद हम लोग जाके इनको लिवाए घर पे।